तो क्या आप भी तंग आ चुके हो यही क्रीपरों और स्केलेटनों के भद्दे मुंह को देखते हुए? हाँ टकलू, तू बहुत ही ज्यादा गंदा दिखता है, मुंह मत फेर, सच्ची बहुत ही भद्दा दिखता है तू टकले। तो आप आए हो सही जगह पर, क्योंकि यहाँ पर मैं आज के वाले वीडियो में आपके लिए लेकर आ चुका हूँ बहुत ही ज्यादा म्यूटेंट बड़े बड़े यहाँ पर मॉब्स, जो कि बहुत ही ज्यादा औसम दिखते हैं और औसम औसम अटैक करते हैं। तो क्या क्या उनके स्पेशल अटैक है, कैसे कैसे वो अटैक करने वाले, वो देखने के लिए पूरी वीडियो एंड तक जरूर से देखो। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर आपको मेरे हॉट बार में बहुत ही ज्यादा यहाँ पर एग्स दिख रहे हैं, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं स्पॉन म्यूटेंट वुल्फ। जी हाँ, म्यूटेंट वुल्फ, म्यूटेंट जॉम्बी फाइट पिगलिन। यहाँ पर जॉम्बी फाइट पिगलिन वापस से आ चुका है, लेकिन ये थोड़ा दूसरा टाइप का। यहाँ पर ये है हमारा ब्रूट पिगलिन, ब्रूट अलग चीज है। और यहाँ पर ये हमारा स्केलेटन, और यहाँ पर ये हस्क, और भी बहुत ही ज्यादा चीजें। अंडरमैन तो बहुत ही ज्यादा ओपी दिखने वाला है, और यहाँ पर ये स्ट्रे भी आपको देखने को मिलने वाला है म्यूटेंट। तो चलो यार फटाफट से मैं आपको एक के बाद एक पूरे जो म्यूटेंट ये लोग है ना स्पॉन करके बताता हूँ। तो यहाँ पर पहले तो हम स्पॉन करने वाले म्यूटेंट क्रीपर। ये क्या हो गया यार, ये पिद्दी, तू यार वीडियो में तुझे नहीं आना था। तो मजाक साइड में रखते हुए हम फटाफट से म्यूटेंट क्रीपर को स्पॉन कर देते हैं। ओ भाई कितना बड़ा, एक सेकेंड, ये देखो भाई मैंने ऐसा स्पॉन किया और भाई मैं पैरों में आ गया इसके। यार कितना बड़ा क्रीपर है। हम यहाँ पर एक आयरन गोलम को स्पॉन करते और देखते भाई क्या ये करेगा म्यूटेंट क्रीपर उस आयरन गोलम को। आयरन गोलम छोड़ो, यहाँ पर मेरे पास एक म्यूटेंट स्नो गोलम है, वो भी स्पॉन कर लेते हैं हम इसी बहाने। तो यहाँ पर ये म्यूटेंट स्नो गोलम का एग, और यहाँ पर अब हम करते इसे स्पॉन। और भाई ये लो भाई शुरू हो गई इनकी लड़ाई, भाई बहुत ही ज्यादा खतरनाक मार रहे, फूट भी गया यार बेचारे को, तो ये लोग ने मार दिया यार। देखो अब कितने ज्यादा स्पॉन करूंगा मैं। ओ भाई ये तो एग फेंक के मार रहा है, मतलब आइस क्यूब, कुछ ज्यादा स्पेशल अटैक। ओ भाई वो फूट रहा है वो वाला क्रीपर, देखो क्या करेगा ये क्रीपर, क्या करेगा भाई, मर गया क्या वो? नहीं, ओ भाई कितना बड़ा ब्लास्ट किया, और ये वाला ब्लास्ट करने वाला है, दूर चलो थोड़ा, हम लोग भी फट जाएंगे। दो लोगों ने भाई कितने ज्यादा म्यूटेंट यहाँ पर ये मार दिए हमारे स्नो गोलम्स, भाई ये बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। अब हम नेक्स्ट वाले चालू करते हैं, यहाँ पर इनकी WWE चालू रहने दो, हम दूसरे वाले हमारे स्पॉन करते हैं दूसरी जगह। एक सेकंड भाई, वो क्रीपर यहाँ पर मरा और उसने अंडा दिया, भाई ये क्या है? ओ भाई ये तो कुछ ज्यादा ही ओपी चीज है यार, देखो दो दो अंडे, अब इसमें से और म्यूटेंट क्रीपर निकलेगा भाई, मतलब खत्म ही नहीं होगे कभी ये। तब हमारे नेक्स्ट वाले जो यहाँ पर मॉब्स वो स्पॉन करते, तो यहाँ पर हमारा नेक्स्ट मॉब यहाँ पर मैंने लिया है, जो कि है यहाँ पर म्यूटेंट जॉम्बी फाइंड पिगलिन। तो यहाँ पर हम इसे स्पॉन करते, हो भाई इसका कुछ ज्यादा ही पीछे से निकल चुका है हम्प। और यहाँ पर देखो, अब मैं यहाँ पर इसके साइड में स्पॉन करता हूँ अपना द गार्ड आयन गोलम। यहाँ पर देखो आयन गोलम मैं स्पॉन करता हूँ, भाई ये म्यूटेंट ने रखा इन्होंने तो यार, एक एक की फाड़ देता है। यहाँ पर देखो अब हम स्पॉन करते हैं इसे, और ये मारने जा रहा है हमारा आयन गोलम ने, इसे स्पॉट कर लिया। कितने हिट में मरता है भाई ये हम देखेंगे आज। तो भाई ये लोग की घमासान फाइट शुरू हो चुकी है, यहाँ पर मैं म्यूटेंट स्केलेटन को स्पॉन करूंगा तो भाई आयन गोलम पक्का पक्का हारेगा यहाँ पर ये कुछ। ओ भाई इसने मार दिया यार आयन गोलम को एक पूरे, भाई अब इससे दूर चलो हम, दूसरा हमारा स्केलेटन। ओ भाई साहब कितना बड़ा स्केलेटन है। यहाँ पर हम क्या करते हैं, एक वुल्फ को स्पॉन करते हैं और ये शायद से स्केलेटन को मारेगा। नहीं ये वाला वुल्फ नहीं, हमारा दूसरा वाला वुल्फ है, वो वाला स्पॉन करना पड़ेगा हमें। यहाँ पर ये लगा रहा हमारा म्यूटेंट वुल्फ, और अब तो गया, अब तो गैस कर लिया। ओ भाई कुछ कर क्यों नहीं रहा है भाई म्यूटेंट वुल्फ, तो कुछ ज्यादा ही खतरनाक है। रुक जाओ, वो लोग की फाइट चालू है। यहाँ पर देखो भाई कुछ ज्यादा ही ओपी है हमारा म्यूटेंट वुल्फ, यार ये किसको भी मार रहा है। और एक बात, इसे हम जो है ब्रीड भी कर सकते हैं, मतलब ब्रीड ही बोल रहा हूँ, यहाँ पर हम इसे अपना पेड भी बना सकते हैं। सिंपल से आपको बोन से इसे फीड करना है, जैसे आप कर सकते हो, और वहां पर एक माउंट का एक ऑप्शन आ जाएगा, उस पर क्लिक करके आप सिंपल से इस पर बैठ सकते हो और जाके राइड कर सकते हो किधर भी। तो भाई फाइनली स्केलेटन और वुल्फ की लड़ाई में स्केलेटन भैया ही जीते, दूर स्पॉन करते हैं। ओ भाई ये तो बेबी स्पॉन हो गया, यहाँ पर हम दूर स्पॉन किए, और भाई ये कुछ ज्यादा अलग तरीके से मार रहा है, इसके पास बो एंड एरो है ना, उससे नहीं मार रहा है, शायद से इससे दूर रहा तभी मारेगा ये। यहाँ पर हम, ओ भाई मार दिया ये दोनों ने मिलके, ये देखो भाई कितना ज्यादा गुस्सा चढ़ा इन्हें। ओ भाई ये तो और उठ रहा है, ओ भाई साहब ये देखो भाई क्या एनिमेशन से इसको, भाई ओपी एकदम ओपी। अब हम हमारा अंडरमैन स्पॉन करते हैं यार, ओपी वाला, भाई उसने मार दिया यार दोनों भी वुल्फ को। यहाँ पर हम अंडरमैन का स्पॉन एक नहीं मिल रहा है मुझको, तो यार ये रहा हमारा अंडरमैन का स्पॉन एक, सिंपल से हम, ओ भाई स्पॉन क्यों नहीं हुआ। ओ भाई ये तो बहुत ही, ओ शिट ये क्या चीज है, ये कुछ ज्यादा ही गंदा भद्दा और भाई बहुत ही ज्यादा खतरनाक भी है। यहाँ पर देखो भाई
भाई ये देखो ये रहा भाई, फिर ज्यादा ही खतरनाक सा ये सबको मार के डाल रहा है। एक हम यहाँ पर क्या करते हैं, यहाँ पर एक आयरन गोलम स्पॉन करते हैं, देखते हैं क्या होता है। क्या आयरन गोलम इसे मार पाएगा? मुझे तो नहीं लगता भाई, क्योंकि यार बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। और इसके अटैक्स आप देखेंगे ना भाई, बहुत ही ज्यादा आप यहाँ पर हैरानी में आ जाओगे, इतने मस्त मस्त अटैक करता है ये। क्योंकि यहाँ पर अभी इन दोनों में लड़ाई होगी ना, ये देखो भाई, भाई ये देखो कितने ज्यादा ब्लॉक्स यहाँ पर फेंक रहा है। देखो भाई इसके हाथ में कैसे ब्लॉक्स, ओ भाई मार भी दिया वो भाई। देखो यार टेलीपैथी जैसे पोकेमॉन्स रहते हैं ना भाई, वैसे ही यार बहुत ही ज्यादा खतरनाक वाले। अगर हम कितने भी यहाँ पर आप स्पॉन कर लो भाई, सबसे ज्यादा डेंजरस मॉब यही है। अरे भाई ये क्या कर लिया मैंने, यहाँ पर और एक आयरन गोलम हमने स्पॉन तो कर दिया, लेकिन भाई ये नहीं बच पाएगा। ये देखो भाई कैसा ऐसा टेलीपोर्ट करके भाग जा रहे, और भाई तीनों मिलकर एक आयरन गोलम को मार रहे भाई, हिल भी नहीं पा रहा है वो बेचारा भाई, मर गया। बहुत ही ज्यादा एचपी है इन लोग में। और भाई मैं आपको फटाफट से सबके सब यहाँ पर स्पॉन कर देता हूँ एक बाय एक, और आपको बताता हूँ भाई। ये देखो भाई स्केलेटन हॉर्स से बोल रहा हूँ, स्केलेटन हमारा ये वुल्फ जो है वो भी ज्यादा ओपी है बहुत सारा। और लास्ट में मैं क्या करने वाला हूँ, सर्वाइवल में जाके देखने वाला हूँ ये सबके बीच में क्या होता है भाई। हस्क छोटे से यार, ये ज़ॉम्बी जो है वो छोटे से भाई, ये क्यों स्पॉन कर दिया मैंने यहाँ पर ये ब्रूट पिगल। ओ भाई ये कुछ ज्यादा ही ओपी सा दिख रहा है भाई, इसके हाथ में एक्स देखो भाई कितनी ज्यादा मजेदार है। यहाँ पर ये उसका भाई है, यहाँ पर ये है हमारा दूसरा वाला पिगलिन जिसके हाथ में है ये, और ये वाला जो है इनका राजा दिख रहा है भाई, क्योंकि इसके हाथ में ऐसा गोल्ड लगा है। यहाँ पर हमारे ये वाला ज़ॉम्बी है, हमारा मेन ज़ॉम्बी है भाई अभी का। और यहाँ पर ये स्केलेटन भाई, दो दो तलवार म्यूटेंट स्केलेटन के हाथ में। ओ भाई ये लोग के बीच में तो फाइट हो रही है भाई। हो ये स्केलेटन जाएगा भाई, काम से जाएगा स्केलेटन, क्योंकि यार कुछ ज्यादा ही। ओ भाई मार दिया, नहीं भाई ये देखो यहाँ पर ऐसा लेटता है थोड़ी देर, और यहाँ पर वापस से उठ के मारता है। ये देखो भाई उठ गया, और देखो भाई इसके हाथ में ऐसी पावर आ गई। ये देखो दोनों भी चिल्ला रहे और भाई मारते एक दूसरे को, इतने जोर जोर के ब्लास्ट हो रहे भाई, मैं दूर जा रहा हूँ यार ये दोनों ये लोगों में से भाई। अब लास्ट बचा है हमारे ड्रोन ज़ॉम्बी। यहाँ पर देखो आप ड्रोन ज़ॉम्बी तो बहुत ही ज्यादा ओपी दिख रहे हैं, और यहाँ पर भाई एक और एक यहाँ पर एकदम खतरनाक बात ये है कि ओ भाई इसके टुकड़े गिर गए यार, इसके स्केलेटन के मार दिया इसके स्केलेटन को ये लोग ने। वो देखो भाई स्केलेटन के टुकड़े भाई बहुत ही, ओ भाई क्या ब्लास्ट हुआ, मैं एकदम दूर चले गया भाई। ये देखो भाई कुछ ज़्यादा ही खतरनाक से ये। और यहाँ पर ये जो ड्रोन ज़ॉम्बी है ये तो भाई हवा में तक सर्वाइव कर पा रहे, मतलब जल रहे नहीं है भाई, मतलब आपको बहुत ही ज़्यादा परेशानी होने वाली है खेलने में। और यहाँ पर ये ड्रोन ज़ॉम्बी आपको पानी में मिलने वाले, और ये बाकी जो ये हमारे नेदर में ये लोग मिलते हैं ना सेम टू सेम, वहाँ पर ये आपको मिलने वाले। आप केव्स में जाओगे तो आपको ये देखने को मिलेगा यहाँ पर ये बड़े बड़े स्केलेटन, जो कि बहुत ही ज़्यादा हार्ड बना देगा आपकी गेम को। तो यार अब वो घड़ी आ चुकी है जब मैं इनके बीच में जाके जाऊंगा सर्वाइवल में भाई, मुझे यहाँ पर सर्वाइवल में जाना होगा, यहाँ पर मैं करूंगा सर्वाइवल, मुझे देखना क्या करो भाई। ओ भाई मुझे देखने का मौका नहीं मिला यार, इन लोग ने मार दिया मुझको, मैं यहाँ पर स्पॉन पॉइंट में आ चुका हूँ मेरे, अब वहाँ पर जाना पड़ेगा मुझको, मैं नहीं जाने वाला। तो चलो गाइस आज की ये वाली वीडियो में बस इतना ही, मुझे आशा है कि आपको ये वाली वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो यार फटाफट जाके वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दो। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वाली वीडियो में, टिल देन टेक केयर एंड बाय।